75 का जिमनी इलेक्शन, वजीर आजम 20 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग पर तैयार। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन में 20 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग की दरख्वास्त देने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन नतीज पर गैर जरूरी रोना धोना कर रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नतीजे के ऐलान से कबल कोई कानूनी मजबूरी नहीं, शफाफियत चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात में भी ओपन बैलेट का मुतालबा है। डेस्का के जिमनी इलेक्शन का नतीजा जारी किया जाए या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में समाअत होगी। रिटर्निंग अफसर NA75 की तहकीकाती रिपोर्ट से मुतल्लिक बयान देंगे। इजलास में लापता प्रिजाइडिंग अफसरों के मामले की भी जांच होगी। जराए के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में 20 प्रिजाइडिंग अफसरों के वोटों समेत गायब होने की तस्दीक। वजीर आजम का दौरा पिशावर, 14 MNA और 14 MPA इजलास से गैर हाजिर। वजारत से फारिग किए गए सुल्तान मोहम्मद लियाकत खटक की भी अदम शिरकत। इजलास में शरीक अरकान असम्बली की ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक शिकायत। PTI अरकान असम्बली का कहना था कि हलकों के काम महीनों दफातर में लटके रहते हैं। इमरान खान से गवर्नर शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मुलाकातें की। चिश्तिया में एवरग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से बच्चे के साथ बदफैली की कोशिश। एवरग्रीन स्कूल को सील करने का मामला, महबूब कॉलोनी के रिहायशी सरापे एहतजाज। बच्चों के वालदेन ने मुतालबा किया कि स्कूल प्रिंसिपल को घनौने जुर्म के इर्तकाब पर करारवा की सजा दी जाए। मजीद ये कि स्कूल की ओनरशिप बदल कर स्कूल को खोल दिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई मजीद खराब ना हो। महल का स्कूल है, इन्हें बच्चों का छूना, अगर वो स्कूल के मालिक ने या प्रिंसीपल ने कोई गलती काम किया उन्होंने सजा दी जाए। और महलदार जिन्हें भी बच्चे इन्हें तलीम खराब होती पी है, तलीम वास्ते स्कूल खोलिया जाए, ठीक है ना। देखो ना, 500-600 बच्चा पढ़ता, 500-600 बच्चा पढ़ता, वो सारे बेचारे दर दर फिरते पे ने, उन्होंने पढ़ाई खराब होती पी है। अगों सुबह अगो इम्तहान जोड़े ना वो नज़दीक आ रहे हैं, इस वास्ते पढ़ाई जी दोबारा बहाल की जाए और ये स्कूल खुला जाए। अपील है कि जो 600 बच्चे स्कूल पढ़ता गया, इतने जो सामने आया प्रिंसीपल अदालत तक चले गए हैं, वो जाने अदालत जाने सा कोई तलक नहीं, इतों पूरा स्टाफ मौजूद है स्कूल का, लिहाजा साडा अपील है कि स्कूल खोलिया जाए। इतों के बच्चे जिन्हें भी पढ़ते हैं, मैंने दसो कुछ साल पूरा खत्म हो गया, बच्चे के पेपर शुरू होने ने, इन्हों का नुकसान ना किया जाए, इन बच्चों का कोई हल किया जाए, जिरा जल्दी से जल्दी स्कूल खोलिया जाए। असी CO साहब को भी गए थे, उन्होंने सानू ये कहा कि सुबह DO साहब आएंगे, तुम उत्थे बच्चे और वालदेन कट्ठे करो, लेकिन हुण वो सानू कह रहे हैं कि मुल्तान जा रहे असी, साडे कोल टाइम है नहीं गा। कल नू अगर कोई मसला है, यही बच्चे जाके किसी चौक के या बल्दिया चौक के या चौक बारे जाके बंद कर देन, उठ बैठ जाएंगे, वो जिम्मेदार CO साहब होंगे और DCO साहब होंगे।